नमस्कार साथियों, मैं आपका आपके YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि RPF ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं, तो उनका डेली अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। और ये अपडेट मुझे आप ही लोगों की सहायता से प्राप्त होता है। तो आज का जो अपडेट प्राप्त हुआ है, आप ही के साथ वाले एक बच्चे ने जो है मुझे फ़ोटो शेयर की है, आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ उसने अपना पूरा का पूरा अनुभव शेयर किया है, जिसको कि मैंने ऑडियो के रूप में रख लिया है। तो आप लोग उसका पूरा अंत तक जरूर सुनना है, और वहाँ पर क्या क्या हो रहा है ये मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूँ। सो प्लीज़ आप लोगों को ध्यान से पूरा अंत तक सुनना है। और इसका जो है एक मैंने लिखित रूप जो प्रमाणित मेरे पास एक और साथी का संपर्क हुआ था व्हाट्सएप पर, तो अगला वीडियो मैं उसका भी बनाने वाला हूँ। उससे क्या क्या पूछा गया था, ये सारे के सारे अनुभव आप लोग कुछ क्या है वीडियो में इस प्रकार के कमेंट्स करते हो कि सर आप गलत जानकारी देते हो। जी नहीं, यदि मैं कोई फेक नॉलेज देना चाहता तो इस प्रकार कब की दे सकता था। मैं आप लोगों के साथ ऐसा कोई भी दुर्व्यवहार करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एकदम सही और सटीक जानकारी ला करके आना चाहता हूँ। तो आप लोगों को पूरा ध्यान से सुनना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन और क्या क्या वहाँ से करवाया जा रहा है। हमारे जिस भाई ने बताया है उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आगे मैं ये आप अब आप सर, हाँ सर बोलिएगा सर, आप अपना बोलिएगा क्या क्या बात हुई सर। पहले तो सर मैं आया तो सर सबको बैठा लिया, 500 600 लड़के थे। तो यस सर, फिर सर उन्होंने सर नेम वाइज बुलाया तो सर 50 50 की ग्रुप बनाए, फिर यस सर, सर ले गए तो सर फिर वेरिफिकेशन हुआ बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ, तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले आने पड़े सर। सर कुछ नहीं सर, एडमिट कार्ड बस सर ले गए थे सर, वही यूज हुआ और कुछ नहीं यूज हुआ सर। जो आपका ट्रेड टेस्ट का एडमिट कार्ड था वो आपके जीमेल पर आया था। यस सर उस पे आया था और सर लिंक भी आई थी सर मैसेज पे। हाँ, मैसेज पर लिंक भी आई थी। ठीक सर, यस सर तो सर फिर वेरिफिकेशन हुआ, फिर सर उन्होंने एक हॉल में बैठा लिया, तो हाँ सर 2 3 घंटे का वेट किया, 2 3 घंटे के बाद सर फिर एक हॉल में ले गए, तो फिर एक हॉल में बैठा लिया अच्छा, ऐसे बिठालते वहाँ पे रहे, सर। मतलब तब तक आपसे कुछ हाँ करवाया नहीं सर। कुछ नहीं करवाया सर, मतलब यस 1 बजे तक बैठे रहे, फिर सर वहाँ से सर वो 10 10 की ग्रुप ले गए बना के, पचास हाँ में से हाँ 10 10 के ग्रुप से बना के ले गए, तो हाँ सर वहाँ मैथ्स में ले गए जहाँ सर फ्री टेस्ट था, हाँ वहाँ से खड़ा कर दिया, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, डायरेक्शन दिया सर, तो डायरेक्शन क्या क्या दिया सर, थोड़ा बता सकते हो, क्योंकि बच्चे। यही दिया कि सर वहाँ पे गैस थी नहीं, बड़ा वाला भट्टी था, गैस जो अपने यहाँ रहती है नॉर्मल वो थी नहीं सर, भट्टी था। अच्छा, बड़ा वाला भट्टी था। हाँ तो वो ही था, और सर तवा भी सर छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। हाँ हाँ सर ले गए, फिर वहाँ गए सर, सभी 10 लोग सबको नंबर दे दिया सर, 10 लोग का एक एक, मतलब वहाँ पे 10 टेबल था, मतलब 10 बेंच था। हाँ 10 बेंच था, तो 10 10 लोगों का ग्रुप बना दिए थे। हाँ 10 लोगों का ग्रुप बना दिया, तो फिर सबको एक नंबर दे दिया था, तो एक नंबर दिया तो मेरा 4 नंबर था, तो मैं 4 नंबर पे जाके खड़ा हो गया। फिर हाँ उधर से उन्होंने डायरेक्शन दिया, रोटी का नहीं दिया था, पराठा का दिया। सभी को पराठे बनाने पड़े फिर सर। हाँ जैसे एक ग्रुप गया तो उनको जैसे रोटी का बोले तो सब रोटी बनाएंगे, जैसे हाँ दूसरा ग्रुप गया उनसे बोला पराठा बनाना, तो पराठा बनाना पड़ेगा, हाँ सर, एक सा काम करना पड़ेगा। फिर हाँ उन्होंने बोला कि 4 मिनट में एक पराठा बनाना है। हाँ कितना, 4 मिनट में 4 मिनट में, एक पराठा बनाना है। और सर आटा गूंदा रखा था कि आटा आपको गूंदना पड़ा। नहीं सर गूंदा रखा था सर, वही तो मिस्टेक हो गई था पहले से, वो जो आटा था ना सर वो बहुत ही कड़क टाइप का था, हाँ तो उसी को सही करने में 1 2 मिनट वेस्ट हो गया सर। यही हुआ फिर वो तवा भी ऐसा था, बहुत बड़ा था, उठाते ही नहीं बन रहा था। तवा मतलब वजनदार था, वेटेड था थोड़ा। हाँ वेटेड था। हाँ तो सर 4 मिनट में एक पराठा बनाने को दिया, तो सर किसी पे नहीं बना सर, किसी पर भी नहीं बना। नो सर, मतलब जल गया था सबका, क्योंकि हाँ वो तवा ऑलरेडी पहले से गर्म था, हाँ जो पहले के आज बच्चे आ रहे थे हाँ तो वो पहले ही से हॉट था, तो तो अपन इसको क्या है, बंद नहीं, बने गैस को थोड़ा कम नहीं कर सकते, भट्टी को मतलब तवा को हटा के नहीं रख सकते क्या। नहीं रख सकते, तो फिर तो सर वो जल ही जाएगा पूरा, तो तवा तो रखना ही पड़ेगा अपन को, अगर रोटी रोटी का दिया उनने बनाने, और सब जैसे भजिया भी वो दे रहे बनाने की, भजिया बनाओ। अच्छा एक हाँ बैच से भजिया बना लिए कि तुम 5 मिनट में ये भजिया बनाओ, तो आपसे ही उसी बनवाया करा कि सकते भजिया हैं। आपसे भी बनवाया। हमसे नहीं बनाया, हम सर सिर्फ पराठा बोला, तब हाँ वही तो हम वो आपको कॉल करने वाले थे, चालीस हाँ नंबर का टेस्ट ट्रेड टेस्ट था, उन्हें एक ही पराठे में कैसे बाहर कर दिया।
सर और काम क्वेश्चन, आपने करवाया ही नहीं। क्वेश्चन और क्या कहते हैं क्वेश्चन का क्या हुआ? कुछ नहीं पूछा उनने। मेरे पास क्या है, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, तो मैं कोई भी झूठी यस जानकारी सर नहीं, मैंने मैं देखा क्या है झूठी सर जानकारी देना मैंने। नहीं चाहता। यदि झूठी कोई फेक नॉलेज देता होता तो फिर क्या इतने लोग जुड़ते ही नहीं, सही है कि नहीं? यस सर वही मैं बोला था कि सर कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा वहां पे। अच्छा क्या कहते हैं, और किसी, वही तो मेरे पास क्या है, जितने लोग मैसेज करते हैं ना, मैं देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं वहां गया हूँ, मेरे साथ आप ही यस लोग सर जुड़ जाते हो, तो आपने जैसा कि मुझे अनुभव अपना शेयर किया है, तो आपके भाई लोगों को अब ये सब बात पहुंच जाएगी, सही है कि नहीं? तो मैं बस यस सर आपसे सही बात ये है। हाँ एक ही बात और पूछना चाह रहा था कि ऐसे क्वेश्चन तो वो लोग पूछते हैं, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा आपसे उन्होंने, तो नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा सर ये तो किसी बहुत टाइप का भी। गलत किया वही तो सर मतलब। वो ही गलत हुआ सर। और सर महाराष्ट्र की ज्यादा ले रहा है वहां पे। सर क्यों, आपका कहाँ था, आसनसोल था, कहाँ था? ना नहीं सर नासिक था ग्रुप भी। मैं सर एमपी से हूँ सागर से। एमपी सागर से हो आप? यस सर तो हाँ हमारे और भी साथी जैसे जुड़ते जाएंगे तो उन लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब अपना अनुभव शेयर करें, जैसे कि आपने किया है। तो आपका नाम यस क्या है, सर शुभ नाम क्या है सर? अरुण श्रीवास्तव अरुण जी, तो आप ये और बताइए आप कौन से ग्रुप से हो, बी ग्रुप। और आप जिस दिन ट्रेड टेस्ट देने के लिए गए थे उस दिन कितने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं? करीब करीब 9 9 या 10 बैच बढ़े थे तो सर 450 500 बच्चे थे और 30 जन को वर्क किया वहाँ। 30 35 जन। अच्छा इतने में से सिर्फ 30-35 लोगों को ही लिया, तो हाँ वो भी सर आदि महाराष्ट्र के थे 18 भी। ये तो गलत है मतलब। महाराष्ट्र के क्या वहां से मतलब सीटें बिक गई हैं क्या? सर ऐसा ही लग रहा मुझे तो क्योंकि सर नासिक में है और नासिक के साथ 3 जोन हो रहे हैं। अपना सिर्फ WCR हो रहा है बाकी सर हाँ 3 जोन हो रहे हैं WR CR और उनका एक और जोन हो रहा है SCR। तो ये सब महाराष्ट्र में आते हैं। तो इस कारण से क्या है कि उन लोगों को जाना ले रहे हैं वो लोग। हाँ हाँ इस कारण में ज्यादा ले रहा है। मतलब तो वो जैसा रहता है टेस्ट वैसा करवाया भी नहीं तुमने। एक काम करा 40 नंबर मतलब 40 नंबर का था सर आपने भी देखा होगा। हाँ 40 नंबर का ही था सर। और क्या कहते हैं आपका कौन सी ट्रेड से थे, बॉर्डर कैरियर से? हाँ वाटर कैरियर। तो बॉर्डर कैरियर में सिर्फ मतलब 40 नंबर में एक ही पराठा बनवाया, ये तो गलत किया मतलब। उसमें देखो वही तो सर जो कुछ लोग जैसे आसनसोल की, मैं अभी बताता हूँ आसनसोल, मेरे पास और भी अनुभव है, तो उन लोगों ने मुझे क्या बताया था वो भी सुन लीजिए आप। उन लोगों ने यस सर बताया था कि जैसा कि आपने बताया कि हाँ वो 2 चरणों में और 6-6 लोगों के ग्रुप बना रहे हैं, आपके 10-10 के बनाए, यस सर और उसके बाद क्या है उन लोगों से एक काम नहीं करवाया जा रहा है, कम से कम 2 से 3 काम करवाए जा रहे हैं। मुझे तो सर एक ही काम करो। वही तो सर 40 नंबर का थोड़ी ना सर एक पराठे का टेस्ट होगा। वही तो, आप कम ही से कम दो बताइए। तीन यस भागों में उसको तोड़ना चाहिए था ना, सर और कोई कम से क्वेश्चन कम भी नहीं सर पासिंग पूछा। मार्क्स तो देना चाहिए था आपको। हाँ मतलब कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा। कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा किसी टाइप का। और क्या कहते हैं आपके जो आपका 10 लोगों का जो ग्रुप बना हुआ था, वो इतने में से कितने लोग पास हुए? सर उसमें से एक ही को लिया एक था वही महाराष्ट्र की था कोई प्रसाद नाम का था कोई उसी को लिया। तो ये महाराष्ट्र का ये कैसे पता चल रहा है, क्या स्थानीय मूलवासी ले रहे हैं क्या वो लोग? तो वो सब महाराष्ट्र के नियम अलग नहीं रहते अपने एमपी से। देखने अच्छा दिखने से ही समझ में आ रहा था। से नहीं सर नेम से आ जाता जैसे भाई भाई ऐसे नाम थे गोलकर ऐसे नाम थे अलग से नाम से तो महाराष्ट्र के अलग समझ में आ जाता है अपने को। अच्छा मतलब नाम से पता चल जाता है कि ये महाराष्ट्र के, इस कारण से वो हाँ लोग ले रहे थे क्या? हाँ वही सर एक ही टास्क दिया आपने 40 नंबर का उसी में आपने फेल कर दिया। ये तो सर अनफेयर है ना। और आप सभी लोगों को थोड़ा एक कोई बात बताना चाहते हो, जैसे मैं ये सब कुछ क्या है ऑडियो जो है यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, तो आप कुछ बोलना चाहो इस बारे में तो कुछ बोल भी सकते हो, बताइए कुछ कहना चाहो, अपने भाई लोगों को संदेशा देना चाहते हो तो बोल दो। सर यही बोलेंगे सर नर्वस ना हो वहां जाके मैच में जाके मैं नर्वस हो गया तभी फेल हो गया। नर्वस नहीं अगर होना वो है, एक ही एक काम देंगे सर वार्निंग करवाएंगे ही काम में हमारा डिसाइड हो जाएगा कि ट्रेड टेस्ट हो गया, पास हुआ कि फेल हुआ। टेस्ट सर। वही तो सर अनफेयर हुआ ना कि अब ये तो बहुत ही आपने एक ही पराठा दिया उसी में आपने सर फेल कर दिया और यही आपने तो। काम करवाया ही नहीं बाकी का। आपका ट्रेड टेस्ट किस डेट में था सर? तो 4 अगस्त में था। 4 अगस्त में था, तो तब से चलो आपने आज अनुभव शेयर किया है, फिर भी आपके साथियों को जो इससे सहायता तो मिली, क्योंकि कुछ लोग जैसे कि जाते हैं अब उन लोगों को खुद पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, तो यदि वो उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो लोग, तो क्या है कि मैं सभी लोगों को यही तो मैं बोल रहा था, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी यस तो उसमें मैंने सभी लोगों से सिर्फ एक ही बात बोला है कि हर चीज को घर पे दोहरा के जाओ। अब जैसे कल मेरे एक भाई सर से मेरा संपर्क हुआ था व्हाट्सएप पर, मैं आपको बताऊंगा अभी, तो उस पे क्या है मुझे यस सर उसने ऐसा बताया कि उससे आमलेट बनवाई गई, हाँ सर ये कुछ भी बनवा सकते सर वहाँ डिसाइड नहीं है।
जी सर, उनने दिया था मेन्यू कि इतना इतना करवाएंगे, उससे बाहर भी दे रहा है वो। वही तो, उसने ऑमलेट बनवाई, ऑमलेट में गरम मसाला डाल दिया, उसको बाहर निकाल दिया। हाँ सर यही हो रहा था, उससे बाहर का दे दे सर। जैसे सर हमारा पराठा था ही नहीं उसमें कि पराठा बनवाएंगे आप। तो अच्छा ये बताइए अपने साथियों को एक बात और बता दीजिएगा कि मतलब किस प्रकार के क्या क्या मेन्यू में क्या क्या पूछा गया था वहाँ पे। मैंने कुछ नहीं पूछा गया था, वो ही दे रहे थे अपने हिसाब से। और नहीं आप बोल रहे हैं कि मेन्यू में नहीं था, तो मेन्यू कहाँ अपनी वो आरपीएफ एनालिसरी की साइट पर उपलब्ध है। यस सर, उसने तो यही बोला था कि आटा गूंथ के रोटी बनाना सर, ये एक था, बर्तन मांजना दो था, ठीक है, सब्जी काटना तीन था, और सब्जी बनाना ये चार था। तो मैंने ये बाहर सब कुछ की वीडियो मैंने उपलब्ध करवाई है बिल्कुल बाकायदा। यस सर, तो इसके बाहर का दे दिया उनने। और सर ये चारों का था ना, उसमें लिखा भी था कि पासिंग मांग आप 16 नंबर चाहिए, नंबर और पासिंग देंगे। तो हाँ, उनने तो सर एक ही काम दे दिया। ठीक और लोगों ने है लिस्ट सर, भी, तो लिस्ट वगैरह कुछ नहीं लगाई। सर कुछ नहीं लगाई लिस्ट वगैरह, सब नेम से बता दिया, इतने इतने लोग सिलेक्ट हुए, 30-35 जन हुए, तो उनको सर ले गए थे अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हाल की आली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है सर, नहीं सर, बाद में होगा, आप सिलेक्ट हो गए टीटी में, उसके बाद ही होगा। तो मतलब सारे के सारे जो साथ ही उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लेकर के जाना है, हाँ सर, साथ लेकर के जाना है। और क्या कहते हैं जी बैग वैग रखने की कोई सुविधा के अपने साथ में ही रहेगा बैग। नहीं है, बैग साथ में रहेगा, जब आप फिट टेस्ट देने जाएंगे तभी रख पाएंगे, एक हॉल हॉल दे देंगे आप, वहीं पे रख जाएंगे। और सर वहां कोई रुकने की व्यवस्था, जैसे कि आप कहाँ देने गए थे, सर मैं नासिक गया था तो सर, नासिक में आरपीएफ कोई, ट्रेनिंग जोन। हाँ तो कोई रुकने की व्यवस्था हो, भाई लोगों को एक्सपीरियंस अनुभव मिल जाए कुछ, थोड़ा बताना चाहो तो बोल सर वो दो। ही है सर, स्टेशन के पास ही है होटल। अच्छा पास में ही होटल है, कितना कोई महंगे चार्ज तो नहीं है, सब कुछ सस्ता ही है, सर वो ही है सर, 500-600 लेंगे सर। 500-600 रुपये लेंगे क्या सर। हाँ यस सर, चलो अच्छा ही है, आपने क्या है अपना अनुभव शेयर किया, और एक बार आप व्हाट्सएप पर और आ जाइए सर, जिससे क्या है थोड़ा सा मतलब एक बार लिख करके दिखा दीजिए, जिससे क्या है भाई लोग को कुछ, हमारे जो लोग होते हैं कुछ लोग अपवाद होते हैं, जैसे कि मैं कोई भी जानकारी देना चाहता हूँ तो कुछ लोग मेरे भाई ऐसे इस प्रकार कमेंट करते हैं कि तुम मतलब यस बकवास सर, कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, उन लोगों के लिए मुझे सबूत तो देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा व्हाट्सएप पर और आ जाइए सर, थोड़ा आपका अच्छी, ठीक है सर, ठीक हाँ इसी नंबर पर आप मुझे हाय भेज दीजिए, ठीक है सर, है। ठीक।